लोहड़ी पर्व के नजदीक आते ही हमीरपुर शहर लोहड़ी पर्व के लिए पूरी तरह से सज गया है। बाजार में लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है। दुकानदारों द्वारा दुकानों में मूंगफली, गुड़, रेवड़ियां, तिल, गच्चक इत्यादि के स्टॉल लगाए गए हैं। लोग भी लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं और बाजार में जमकर खरीदारी की जा रही है। लोगों ने बताया कि लोहड़ी पर्व को लेकर दुकानें सज गई हैं और लोग भी काफी संख्या में आकर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों से मूंगफली, गुड़, रेवड़ियां, तिल, गच्चक इत्यादि खरीदी जा रही हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस बार जीएसटी लगने से सामान महंगा हो गया है। काफी बढ़िया मार्केट सजी हुई है और बड़ा अच्छा, पहले से कुछ सस्ता सामान भी मिल रहा है। इस बार तो थोड़ा महंगा है पिछले साल से, मार्केट काफी अच्छी चल रही है। ये रेबड़ी, गच्चक, तिल, चिड़वे, जो भी तिलचौली का सामान है वो सारा ही हमारे पास अवेलेबल है। जीएसटी लगने के बाद है फर्क, थोड़ा रेट में अब हो गया है, थोड़ा पहले से फर्क है 5-10 रुपए का, ज्यादा नहीं है। तो ठीक है, हम डिस्काउंट देके करेंगे, जो भी हो सकेगा तो हमारे पास आए जरूर और सेवा का मौका दें हम। लोहड़ी वाले दिन लोग रात को आग जलाकर मूंगफली, गुड़, रेवड़ियां, तिल, गच्चक इत्यादि की आहुति देते हैं और पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस आग को जलाने के लिए उपलों का प्रयोग शुभ होता है। गौरतलब है कि लोहड़ी के पर्व पर बच्चों द्वारा घर घर जाकर लोहड़ी मांगी जाती है। लोग लोहड़ी गाने वालों को पैसे या अनाज देते हैं। लोहड़ी से एक सप्ताह पहले ही बच्चे घरों में लोहड़ी मांगना शुरू कर देते हैं। वहीं पंजाब में लोहड़ी पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फसल की कटाई और नई फसल के आने पर यह पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी से अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग पवित्र स्थलों पर स्नान करने जाते हैं और इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाई जाती है। इस तरह के त्योहार आपसी भाईचारे का संदेश भी देते हैं।